हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं हावड़ा से वाराणसी, एंड जो ट्रेन नंबर है एंड हम कैसे जा रहे हैं ये सब ट्रेन में बैठ के बताएंगे। फिलहाल मैं हूँ हावड़ा स्टेशन में एंड लिटरली पसीना पसीना हो रही हूँ, तो जैसे ही ट्रेन आती है सब कुछ दिखाऊंगी, फुल जर्नी इंजॉय करेंगे एंड कितने स्टेशन है क्या है ये सब बताने वाली हूँ, तो स्टे कनेक्टेड। कोच में जा रहे हैं एंड स्लीपर इज अगेन थोड़ा सा गंदा है बहुत ज्यादा, सो हमारा है 34 यानी मिडिल बर्थ एंड ये वाला हमारा सीट रहेगा एंड ओवरऑल ये देख लो आइकॉनिक पंखा ये सारा, तो ये पूरा सीन है यहाँ पे और अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, काफी लोग हैं। ट्रेन का डिपार्चर जो टाइम है वो है 8:25 और ये आ चुका है बाय 7:50, 7:50 पे ये आ चुका है और अभी हो रही है बहुत गर्मी क्योंकि अभी अभी ये ट्रेन आई है, लाइट फैंस अभी चालू हुए हैं, देख सकते हो पूरा पसीना आ रहा है एंड आई थिंक ये टाइम पे निकल जाए क्योंकि यहीं से निकलना है इसे, और वाराणसी का जो टाइमिंग है वो 10:30 के आसपास है। इन द मीन वाइल बहुत सारे स्टेशन है जो मैं आपको बता दूंगी, एक बार मैं सेटल डाउन हो जाती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ट्रेन नंबर है 13009, कोच है S4 और सीट मिडिल एंड अपर सीट है साइड अपर, सो यस साइड अपर होने का फ़ायदा ये कि एक दिन ऊपर सो जाएगा एक मिडिल में सो जाएगा, ओवरनाइट जर्नी है तो सो सो के हम निकाल लेंगे, खा पी के निकलेंगे, ओवरऑल कूल रहेगा। तो टाइम हो चुका है 8:25 और 8:25 पे ये ट्रेन मूव होने लग गई है यानी डिपार्ट हो गया है, जो एग्जैक्ट टाइम था उसी टाइम पे ये निकल रहा है, सो आई बिलीव ट्रेन टाइम पे हो, बट एज यूजुअल कभी भी इंडियन रेलवे टाइम पे नहीं होती हैं, तो स्टेशन के एंड में पता चलेगा कि ये कितना टाइम पे हमें पहुँचा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत स्लो मोशन पे चल रहा है, दिस साइड इज़ नो प्लेटफॉर्म जो है उस तरफ में, तो प्लेटफॉर्म तो नहीं, बाहर की तरफ मैं क्या ही दिखाऊँ, सब लाइट्स ही लाइट्स फोकस पे हैं एंड गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। अभी हो रहा है 9 बजने को आया है, आधा घंटा हो चुका है ट्रेन को चलते हुए, अभी हम लोग श्रीरामपुर के आसपास रुके हुए हैं, अब लग रही है भूख, खाना लगाएंगे, खाना खाएंगे और थोड़ा बहुत बाहर का सीन दिखाऊंगी, गर्मी से थोड़ी मुक्ति मिली है, थोड़ा सा हवा चल रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी कोच हल्का हल्का खाली है, भरा नहीं है, मुझे लगता है आगे जैसे जैसे हम जाएंगे थोड़ा भीड़ बढ़ने लगेगा, वैसे हम लोग के साइड का सीट भर गया है एंड वो वहाँ पर जो है ना वो मेरा अपर सीट है, सो मैं तो ऊपर चली जाऊंगी खाना खा के, तो चलिए अभी हम लोग खाना खाते हैं, खाने में क्या है वो मैं बताती हूँ, और रही बात ट्रेन का ट्रेन के सारी चीज़ें डिटेल में बताने का, कौन सा स्टेशन है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सो यहाँ पे मम्मी पिकनिक बना रही है हमारे लिए, तो देखो इसमें है रोटियाँ, ये है भुजिया हल्दीराम वाला, और देखो गर्मी के मौसम में आ गया है आमरस, किस में, थम्सअप की बॉटल में, कैन यू इमेजिन किसी चीज का कमी नहीं है, और यहाँ पे मम्मी लेकर आई है सब्जी डिफरेंट काइंड ऑफ, इसे भिंडी और मिर्ची थोड़ा दिया हुआ, ये देखो ये भिंडी की सब्जी है वो सुबह खाना तो वैसे कर लो, और ये सब्जी हमने ये अलग रखो, ये आलू की सब्जी और ये देखो ग्रेवी वाला आलू की सब्जी यहाँ पे आ गया है,
मुझे तो लगा सूखी आलू की सब्जी होगी तो और टेस्टी लगता है। वैसे मम्मी एक बात बताओ, ये सब खाना जो हम लोग लेकर आते हैं इसमें खाने में मजा आता है कि आपको ट्रेन का खाना में? नहीं, मुझे तो घर से लाया हुआ खाना बहुत मजा है ना। ट्रेन का खाना तो मतलब वर्डफुल भी नहीं है, उल्टा कभी कभी पेट दुखने लगता है बिकॉज चावल कच्चे होते हैं और रोटी तो लेदर की होती है, वो तो फॉर श्योर है। तो कमेंट में बताना आप लोग ऐसा खाना खाना पसंद करते हो या ट्रेन का, और अगर आप ट्रेन का खाते हो तो कौन से ट्रेन का खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलो अभी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं क्योंकि अभी हो रहा है 9:10। जल्दी से खाना खाते हैं और फिर आपसे। तो इट्स ऑलरेडी 9:20 और हमने खाना खा लिया है। देखो मम्मी आमरस पी रही है थम्स अप में। सो यस, हमारा खाना पीना हो गया है एंड ये ट्रेन निकल के इट्स लाइक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स अबव। हाँ, फिलहाल तो टाइम पे ही चल रही है, देखते हैं सुबह वाराणसी कितना बजे तक पहुँचाती है। एंड द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे अभी पुलिस वगैरह भी राउंड अप पे लेते हैं एंड आपको बताते हैं कि कौन सा हेल्पलाइन पे आपको कॉल करना चाहिए। जो हेल्पलाइन नंबर ऑब्वियसली 139 है, जो रेलवेज का कॉल सेंटर वाला नंबर जो होता है वो 139 है, तो उस पे कॉल करने के लिए ये लोग बोलते हैं। थैंक यू भैया। तो फिलहाल मैं ऊपर आ चुकी हूँ अपने बर्थ पे एंड फिलहाल तो ऑब्वियसली आपको पता है कि स्लीपर में आपको बेडशीट वगैरह कुछ नहीं मिलता है, वो आपको अपना लेके आना पड़ता है। कलकत्ता यानी हावड़ा स्टेशन से लेके वाराणसी काशी तक 27 स्टेशन होते हैं जिसमें से 5 स्टेशन अभी तक गुजर चुके हैं, रिमेनिंग अभी बाकी हैं। मोस्टली रात तक में कम्प्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद काशी आ जाएगा। तो लेट्स सी कि हम लोग कितने देर में पहुँचते हैं। फिलहाल तो टाइम हो गया है सोने का, तो मैं सोने जा रही हूँ, सेट हो गया है सब कुछ। चलिए अब हम कल सुबह मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है सेकंड डे मतलब ट्रेन के अंदर। सो इट्स ऑलरेडी 8:30 के आसपास, भूख लग रही है, चाय पीने की इच्छा हो रही है, अभी तक चाय नहीं आया है। चाय आएगा तो सबसे पहले हम चाय पियेंगे। नगर और वहाँ से फिर हमें लेना है चाय। अगर यहाँ पे भी चाय मिलता तो आई वॉन्ट टू हैव टी बिकॉज अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन करीबन 10:30 के आसपास आने वाला था, बट अब मुझे लगता है वो आधा घंटा डिले चल रहा है। लेट्स सी कि और कितना डिले होता है एंड हम लोग कब तक यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हाँ, नींद की बात करूँ तो नींद इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ना मुझे उसमें खराटे सुनने मिले ना कुछ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आई। नहीं तो यूजुअली इतना डिस्टर्बिंग होता है ना नींद ट्रेन में कि पूछो मत। चलो जैसे कुछ आता है चाय वगैरह का कुछ सीन बनता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लग तो रही है बहुत सुंदर। हो चुका है और हम दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। पता नहीं क्यों अभी तक चाय वाला नहीं आया, और जब तक चाय नहीं मिलेगी ना वो पेट में दर्द होता रहेगा और सर घूमता रहेगा सब कुछ। मतलब लंच ऑर्डर लेने वाला आ गया है और पानी देने वाला आ गया है, पता नहीं क्या क्या बेचने आ गया है। एक चाय और एक नाश्ता, ये दो चीज़ अभी तक इस ट्रेन में नहीं आया है एंड स्टेशन में भी नहीं आया। सो लेट्स सी ये कब तक होता है। वैसे इसके बाद एक स्टेशन के बाद ही अपने को उतरना है तो ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं, स्टेशन में जाके ही हम लोग पी सकते हैं, बट अगर एक बार मिल जाएगा तो थोड़ा फ्रेश फील होगा। तो बस अभी हम लोग को चाय मिल गया है तो मैं ये एक कप चाय पी रही हूँ जो आधा आया है, तो ये चाय पी रही हूँ। एंड नाश्ते के लिए तो दूर दूर तक तो कुछ दिख नहीं रहा है और उसमें पेंट्री है नहीं, तो जो भी है स्टेशन से आ रहा है वही हम लोग खा पी रहे हैं। 9:30 बज चुका है और दीनदयाल उपाध्याय नगर से ये 9:30 निकल रही है। नाश्ता वगैरह तो कुछ मिला नहीं, चाय पी के बस पेट भरा है।
हमारा है काशी जो 9:55 का दिखा रहा है और उसके बाद बनारस वाला जो दिखा रहा है 10:20। तो जस्ट देखते हैं कितने देर में ये एक्चुअली जंक्शन पे पहुंचती है। और पीछे चल रहा है मालगाड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग काशी स्टेशन में रुके हुए हैं। 10:06 पे ये निकलेगी और बनारस ये लगभग 10:20 पे पहुँचने की बात है। वैसे ये काशी स्टेशन बहुत छोटा सा है अगर आप देखोगे, एंड सामने मालगाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ से निकलेंगे, उस तरफ में प्लेटफॉर्म नहीं है उस साइड में, पर इस तरफ में प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल से यहाँ से ट्रैक चेंज होगा और कुछ खाने पीने की चीज़ आई है। चाय आई है, चाय ले लो एक। हाँ, एक चाय दे दीजिए। तो भैया जी आ गए हैं फाइनली, एक चाय तो मिलेगी। मतलब ट्रेन में ना चाय पिए बिना मजा नहीं आता, और हम तो हाँ। तो ये आ गया चाय, तो हम ये चाय पीते हैं तब तक। तो बस अभी हॉर्न बज चुका है, आई गेस हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और मेरा गर्मा गर्म चाय मम्मी लेके रखी है, पी के देखो कैसा है, बताओ। पी के देखो, सिप लो। मम्मीज रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा ट्रेन 10:30 के आसपास आ चुका है। तो यस, टाइम पे था ट्रेन। अब हम यहाँ से जाते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। एंड आई विश ये मेरा लास्ट स्लीपर हो, क्योंकि देखो स्लीपर में क्या होता है ना, बहुत सारी कहानियाँ बन जाती हैं, लोग मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ये था ओवरनाइट जर्नी, इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाई। एंड बस मिलती हूँ आपसे अगली जर्नी में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू।